तो कल हमने अपना चैप्टर यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, आवर पास तक। अब हम अपना चैप्टर यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इसकी हेडिंग है वन पास्ट और मैनी। इसका मतलब है कि क्या पास्ट एक ही होता है या पास्ट बहुत सारे होते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसने बोला है कि इसका जो टाइटल है, अगर हम इस बुक के इस टाइटल की तरफ नोटिस करें, जिसकी बुक का टाइटल है, मतलब हमारी जो बुक है उसका जो फ्रंट मतलब की पेज है उस पर लिखा हुआ है आवर पास्ट, ठीक है। तो अगर हम उसकी तरफ नोटिस करें तो जो पास्ट वर्ड है, ठीक है ना, कि वो एक प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है। प्लूरल फॉर्म तुम लोगों ने पढ़ी होगी इंग्लिश ग्रामर बुक के अंदर, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है ना। वो लोग भी हो सकते हैं, व्यक्ति मतलब चीज़ें भी हो सकती है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो उसमें प्लूरल फॉर्म बोला जाता है। तो उसने बोला पास्ट जो होता है क्या वो एक ही है, क्या वो सभी लोगों के लिए पास्ट सबका अलग अलग है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, जो हर्डर्स थे या फार्मर्स थे वो किंग और क्वीन से अलग अलग थे। जो काम राजा करता है या जो काम रानी करती है, क्या वो काम हर्डर और फार्मर करते थे, नहीं करते थे। तो अगर तुम किसी राजा से पूछोगे कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तो उसके पास्ट में क्या आएगा, राजा महलों में सोता था, सुबह उठ के डिसीजन देता था, अपने प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा को न्याय देता था, फिर वो चला जाता था और घूमने जाता था। ये किसका पास्ट है, राजा का पास्ट है। क्या आप एक फार्मर के पास्ट को ऐसा बता सकते हैं, क्या फार्मर ऐसा काम करता था अपने पास्ट में, नहीं। फार्मर का पास्ट क्या होगा, भाई वो सुबह उठ के खेती करता है, काम करता है अपना, ठीक है, भैंसों भैंसों हैं तो उनका काम करता है, वापस आता है घर में, बच्चों को देखभाल करता है, ये सारा काम ये एक फार्मर का पास्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं राजा रानी हर्डर्स फार्मर्स सबका जो पास्ट है वो अलग अलग है। मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं, उसमें वो मुनाफा कमाते हैं। कैसे, कुछ 2 रुपये का सामान लिया, 3 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का मुनाफा कमाया, वही उनकी क्या होती है, इनकम होती है। तो जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं उनका पास्ट अलग है, ठीक है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस को, डिफरेंट कस्टम्स, क्या मतलब होता है कस्टम, मतलब होती है रीति रिवाज हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोगों के पास में दिवाली जो मनाते हैं अलग फेस्टिवल होता है, होली बनाने का उनका अलग तरीका होता है, ऐसे ही साउथ इंडिया में जो है कुछ अलग फेस्टिवल्स हैं उनको बनाने का उनका अलग तरीका होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कस्टम्स हैं हमारे कंट्री में। एग्जाम्पल देखते हैं, आज ज़्यादातर जो लोग हैं अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड कहाँ पर है हमारे इंडिया में, अंडमान आइलैंड आप अभी जा कर के एटलस के अंदर जा कर के देखें, अंडमान आइलैंड का है, बे ऑफ बंगाल में दिखाई देगा हल्का सा नीचे, और श्रीलंका के थोड़ा सा पैडल ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका खाना क्या है, फ़िशिंग, वो हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है उसे कलेक्ट करते हैं। अगर हम उसी के कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर हम दूसरी ओर देखते हैं, तो जो ज़्यादातर लोग हैं जो सिटीज़ में हैं उनके लिए क्या होता है, क्या वो जाते हैं जंगलों में खाना पीने के लिए, नहीं जाते। उनको खाना कहाँ से मिलता है, उनको जो फूड होता है वो सप्लाई होकर के आता है, उनके पास में गेहूं का आटा बना हुआ उन्हें मार्केट से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब दोनों की चीज़, दोनों ही जगहों पर सिचुएशन ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग डिमांड्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंस देखेंगे इन सब में, तो ये इन सब के डिफरेंस को देखते हुए इनके पास्ट में भी डिफरेंस आ जाएगा, है ना। अंडमान निकोबार के लोगों का पास्ट भी बदल जाएगा और सिटीज़ में रहने वाले लोगों का पास्ट अलग हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि राजा है, राजा लड़ाइयाँ करता है, मैंने भी आपको बताया लड़ाई करता है, तो उसका रिकॉर्ड क्या होगा, विक्ट्रीज़ फाइट ये सब होगा, उसका पास्ट भी यही होगा। लेकिन एक साधारण आदमी जैसे जो हंटर है, जो गैदरर है, फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, क्या इन सब का काम ये होता है, क्या ये विक्ट्रीज इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं रखते, तो इनका पास्ट अलग होता है, ठीक है। तो जो हमने टाइटल देखा था आगे कि पास्ट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो पास्ट किस पर डिपेंड करते हैं, व्यक्ति की सिचुएशन पर, व्यक्ति के अपने सर्विस पर, इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या करता है, वो उस पर पास्ट उस पर डिपेंड करता है उसका, कि व्यक्ति का क्या वजूद है, क्या ऑक्यूपेशन है, है ना। अब डेट का मीन्स क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से कोई डेट पूछते हैं तो हम प्रोबेबली बोलते हैं, तो वो क्या बताता है, दिन बताएगा, मंथ बताएगा, ईयर बताएगा, ठीक है ना। तो ये जो साल्स हैं हम इनको काउंट कर लेते हैं जनरली, जैसे कि हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट क्या है, जो ईसाई धर्म जिनको अपना गॉड मानते हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कृष्ण को मानते हैं, है ना, तो मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं, ऐसे ही जीसस क्राइस्ट जो हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा माने जाने वाले उनके गॉड हैं, उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन किया था, ठीक है। तो अगर हम अब बोलते हैं जैसे 2000 साल, तो हम 2000 साल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसके बाद की 2000 साल, तो एडी आ जाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हम मानते हैं एक तारीख, एक को, ठीक है ना, एक सेंचुरी।
अगर कोई भी डेट है उसके पीछे अगर बीसी लगा हुआ है, बीसी मतलब का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के आने से पहले का समय, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट आ जाएगा। अगर उनके आने के यानी एक सेंचुरी के आने के बाद का समय है तो उसमें क्या हो जाएगा, एडी लग जाएगा, यानी कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है ना लेटर और डेट्स, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है ना, ये दोनों फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। ठीक है, जो अब ये हमने किससे डिनोट किया है, हमने डिनोट किया है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से किया है। ठीक है, उनके बर्थ से पहले बीसी, उनके बर्थ के बाद में एडी। ठीक है, हम बीसी को सीई बोलते हैं कभी कभी, कॉमन एरा, या फिर बिफोर, और बीसी को हम कभी कभी बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, तो ये क्रिश्चियन एरा के हिसाब से ही हम लोगों ने इसको माना है। इसके अलावा एक बॉक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे ज़रा देख लेते हैं। देखो इसमें एक इंस्क्रिप्शन बना हुआ है ना, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था आपको क्या होता है, हार्ड सरफेस पर लिखी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है कि 700 साल पहले का ये इंस्क्रिप्शन है, और सारे इस जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में एक स्क्रिप्ट है ना, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी की है, ठीक है ना, लिखने का तरीका, भाषा है इसमें। तो जो भाषा इसके अंदर है, वो हमें पता है भाषा बदलती रहती है, पहले जो भाषा थी क्या आज के टाइम पर वो है, आज नहीं है, ठीक है ना, तो भाषा बदलती रहती है। तो इसमें एक इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है, और डेसिफरमेंट मतलब क्या होता है, उस इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है उसको लिखने का तरीका, ठीक है ना, किस तरीके से उसे डेसिफर किया गया है। तो ये जो है ये इजिप्ट भी है, ठीक है ना, तो एक नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट, वहाँ के जो राजा और रानी थे वो 5000 साल पहले की बात है। तो देखो रोसेटा जो है वो एक टाउन है जो इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर है, वहाँ पर ये स्टोन मिला है और वहीं का ये इंस्क्रिप्शन है। इसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, और स्क्रिप्ट है इसमें क्या है, एक ग्रीक है, ठीक है ना, और 2 फॉर्म इसमें इजिप्शियन है। तो जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको ग्रीक की जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, अब इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाता है, राजा और क्वींस लिखवाती हैं, तो जो लिखी हुई है उसको फिगर आउट किया, इसको फिगर आउट किया मतलब इसको पढ़ने की कोशिश की, ठीक है ना, तो उसकी साउंड, उसके इजिप्शियन के लेटर को समझने की कोशिश की। अब जैसे कि यहाँ पे एक लॉइन बना हुआ है, तो जो लॉइन बना हुआ है उसको क्या समझा गया, उसको एल समझा गया, यहाँ पे जो बीच में लॉइन है इसको क्या माना गया, एल माना गया। अब देखो ये जो स्क्वायर सेट का जो बना हुआ है इसको क्या माना गया, इसको पी माना गया, और जो आगे जो बना हुआ है टी, तो इसमें इसको ये स्क्वायर बना है ये पी का दिखा रहा है ना, ये हल्का सा जो ओपन सा रेक्टेंगल है ये एम दिखा रहा है, ये एक तरीके से तलवार टाइप का जो ये आई दिखा रहा है। तो इसको जब स्कॉलर ने स्टडी किया तब उन्होंने समझा कि जो इस इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो ये सिंबल्स बने हुए हैं, ये सिंबल्स भी अपने आप में एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहे हैं ना, जो बर्ड है वो ए से डिनोट की जा रही है, तो इसकी मदद से क्या करा, इंस्क्रिप्शंस को रीड किया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। दूसरी वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि वैसे मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप खुद इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करके, उनको आंसर्स को समझा करके पूरी एक्सरसाइज में आपकी कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। आप इसे एक और बार अच्छे से रीड करना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी भी लाइन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना के दोबारा से आपको समझा दूँगी। ठीक है, ओके।